Quieren apretar. In all of them, they're all Sherwoodians. That's absolutely right. Aur is hafte hume Nainital ke Sherwood College mein, let's explore. Sherwood College, ek aisa school jisne samay samay par sirf Hindustan hi nahi, balki sari dunya ko bahut si important personalities di hain. Hindustan ki azadi se taqreeban 80 saal pehle, yani July 1869 mein, Dr. Condon ne European bachcho ke liye Nainital mein Diocesan Boys School ki sthapna ki. जो आगे जाकर शेरवुड कॉलेज के नाम से फेमस हुआ। 135 साल पुराने इस स्कूल की सुबह आज भी मॉर्निंग पीटी से ही शुरू होती है। शेरवुड कॉलेज के अंदर कुछ सीनियर डॉर्मेट्रीज हैं, कुछ जूनियर डॉर्मेट्रीज हैं। आइए चलते हैं एक जूनियर डॉर्मेट्री के अंदर और देखते हैं कि वहाँ की जो मेट्रन है वो छोटे बच्चों के लिए कैसे माँ बाप का फर्ज अदा करती है। Child, okay, come. You're not ready? Huh? Yes. You're not ready? Yes. Why? Sir, I came late in the night. You came late in the night? That's why you're not ready. Neend puri ho gayi? Okay, aap taiyar ho gaye? Aap bhi nahi hain? Nahi hue abhi. Kitne time aur lagega taiyar hone mein? और इस समय हमारे साथ हैं मिसेस ली जो जूनियर डॉर्मेट्री की मैट्रन है। हाउ आर यू? आई एम फाइन थैंक यू। ओके, लाइक हाउ डू यू हेल्प दीज लिटिल चिल्ड्रन व्हाइल दे गेट रेडी? वी गेट अप एंड देन वी वेक देम अप एंड मेक देम गेट रेडी। ओके, और वी ट्राई आवर बेस्ट यू नो टू डू एवरीथिंग फॉर देम। व्हाटएवर दे रिक्वायर्ड नीड वी हेल्प, वी आर देयर ऑलवेज देयर। ओके, इस समय एक आया हमारे सामने, इनसे हम बात करेंगे। आपका नाम क्या है? गोविंदी देवी। गोविंदी देवी जी, हमें आप ये बताइए, बच्चे कभी कभी शैतानी करते हैं या तैयार नहीं होते हैं? नहीं, वैसे शैतानी करते हैं। करते हैं? किस तरह की शैतानी करते हैं? जी, दूसरे से फाइटिंग करना। फाइटिंग करना? ओके, कौन कौन यहाँ पे जो फाइटिंग करता है? फाइटिंग करते हैं, किससे फाइटिंग करते हैं बताइए? इससे, किस इधर आइए। सलमान खान, सलमान खान, सलमान खान। अच्छा, तुम एक्टिंग करके दिखाओ सलमान खान। दिस इज नॉट फेयर। ओके, आप लोग में कौन फाइटिंग करता है? आप करते हैं? किससे फाइटिंग होती है आपकी? इससे होती है। दोनों चश्मे वाले आपस में फाइट कर जाते हैं। चश्मा टूटता है? नहीं टूटता है, नहीं टूटता है। अच्छा, फाइट करके जरा दिखाइए, लेकिन हल्की वाली फाइट। किस तरह से फाइट करते हैं? अच्छे बच्चे जो होते हैं वो फाइट नहीं करते, मालूम है आपको? और फाइट नहीं करना चाहिए। तो आप लोग प्रॉमिस करिए कि आज के बाद से हम लोग कभी फाइट नहीं करेंगे। बोलिए मेरे साथ, आज के बाद से हम अच्छे बच्चे कभी फाइट नहीं करेंगे। जहाँ पर एक तरफ छोटे बच्चों को तैयार किया जा रहा है, वहाँ पर बड़े बच्चे खुद ब खुद तैयार होकर प्रेप में आ चुके हैं। आइए बात करते हैं उनसे। What's your name? Shipra. Shipra. Okay. It's 6:30 in the morning.
छोटे बच्चे अभी तैयार नहीं हुए, उन्हें तैयार किया जा रहा है, अभी आपको नाश्ता भी नहीं मिला है, ब्रेकफास्ट नहीं हुआ है. You're busy in studies. How do you feel? Yeah, like you have to study if you mm-hmm. want to become something in life. Hi. How are you? Sit down. Okay. What are you doing right now? So commerce. Okay, commerce. Yes, sir. How important is prep for you? It's the most important thing in Sherwood because Ali. We are going to be engrossed in other activities, so okay. We need to completely engross they need to prep for our studies. Mm-hmm. So like one a small bit of distraction during the prep, it can really cause some problem okay. for our tests. It's around 6:30 in the morning. Yes, sir. Everybody's sleeping, like, yes, sir. And you're studying. How do you feel? So good, sir. At least I have that sense that I'm studying and that I will get good marks. छत्तीस बच्चों से शुरू होने वाले इस क्वेड स्कूल में आज लगभग 550 बच्चे अपना मुस्तकबिल बना रहे हैं. इस समय जहां पर हम खड़े हैं ठीक हमारे पीछे है यहां का कॉलेज चैपल. ये चैपल अक्टूबर 1913 में बनाया गया और आजकल यही मॉर्निंग असेंबली होती है. असेंबली खत्म हो चुकी है और यहाँ के बच्चों को एक बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है. जानते हो सरप्राइज क्या है? मैं यहाँ का नया हिस्ट्री टीचर हूँ. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. मॉर्निंग सर. सिट डाउन. डू यू नो माय नेम? नो सर. माय नेम इज फराज शेर. डू यू नो दैट आई एम वेरी स्ट्रिक्ट? यस सर. हाउ डू यू नो दैट? हमारी आवाज से छोटे छोटे बच्चे डर जाते हैं. ओके okay. आज मेरा पहला दिन है इसलिए सिर्फ हम क्वेश्चंस पूछेंगे, आप लोगों को आंसर देना है. रेडी? गांधी जी का पूरा नाम यू टेल मी. सर मोहनदास करमचंद गांधी. सर मोहनदास करमचंद गांधी? यस मोहनदास करमचंद गांधी. गुड. सिट डाउन. ओके यू स्टैंड अप. बाबर को जानते हो? यस सर. उसके बेटे का नाम क्या था? सर हुमायूं. सर हुमायूं. उसके बेटे का नाम क्या था? अकबर. अकबर के बेटे का नाम क्या था? उसके बेटे का नाम क्या था? उसके बेटे के बेटे के बेटे के बेटे का नाम क्या था? यू लाफिंग? नहीं जानते? हाथ ऊपर करो. यू विल टेल मी. स्टार्ट अप. बाबर के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे का नाम क्या था? औरंगजेब. औरंगजेब था. उसके बेटे के 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 बेटे का नाम था फराज शेर. Why you all are laughing? All of you raise your hands. Punishment. And stand up. देखा बच्चों हम कितने स्ट्रिक्ट टीचर हैं? पता चल गया सबको? और आपने भी देखा कि हम कितने स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन ये सही बात नहीं क्योंकि मैं तो था झूठ मूठ का टीचर. अब हम बुलाते हैं जो एग्जैक्ट यहाँ के टीचर हैं, यानी कि मिस्टर एपी सिंह. मिस्टर एपी सिंह प्लीज. प्लीज आप लोग बैठ जाएं. सॉरी मैंने बहुत तंग किया. आई एम नॉट योर टीचर, ही इज अ रियल टीचर. ओके मिस्टर एपी सिंह, जिस तरह से अभी आपने देखा मैंने बच्चों को डांटा, पनिशमेंट इतनी दी, जी यहाँ का क्या पैटर्न है? ठीक है, वी आर नॉट वेरी सीवियर विद देम. See, we reprimand them, not very severely, not very harshly to begin with. Mm-hmm. Give them a task or give them the work to do again or give them extra, you know, detention time or something like that. Dekhiye, humse, we live with them, we are like their parents here. We are responsible for them, like how is he performing in his academics, in his personal relationships with his students, with his teachers. Any problem he has of any kind, we are there always to help, to comfort, to give them encouragement, etc. What happened to you, Bharat? How did you get hurt?
So I fell down on the bed, sir, from the corner. Oh, I'm so sorry to hear that. Are you badly hurt? Yes, sir. So I got stitches. Oh, I'm so sorry to hear that. How are you feeling now? Sir, I'm fine, sir. Good. Sit down. You're a brave boy. Sit. What I would like to tell you is to improve your presentation. All right? You have done pretty well, but where you're lacking is in your presentation. You can do much better if you have a better handwriting. Is it clear? And concentrate a little more in your presentation. Is that clear? Good. Keep it up. जैसा कि आपने देखा कि यहाँ शेवर्ड में बच्चों और टीचर्स के बीच में इंट्रैक्शन बहुत है, पर्सनल रैपो बहुत है, क्योंकि लगभग पूरा दिन वो लोग साथ रहते हैं। और एक बात जो मैंने नोट की वो ये है कि यहाँ पर करिकुलम, यहाँ के कोर्सेज को काफी स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। When the code is to be executed. So these two values are the actual value. And it's time to take a short break. We'll be right back. Welcome back. You're watching KAL KA INDIA and we are in Sherwood College of Nainital. इस समय जो यहाँ पर बच्चे खड़े हुए वो लाइन बनाकर डाइनिंग हॉल में लंच के लिए जाने वाले हैं। ये इनके डिसिप्लिन को दर्शाता है और साथ ही डाइनिंग हॉल में एक पर्सनल टच है। आइए एक्सप्लोर करते हैं कि वो पर्सनल टच क्या है। For what we are about to receive, may the Lord make us truly thankful. Sit. हमको पता है कि ये वेज खाता है, ये नॉन वेज खाता है, किसको क्या पसंद है, और ये इस चीज़ को ध्यान में देकर हर बच्चे की ख्वाहिश पूरी करते हैं, क्योंकि इस समय ये अपने घरों से आए हैं, हम ही इनकी सेवा का हम ही जवाब है यहाँ पर इनकी, और इसलिए हम इनका हर तरह से ख्याल रखते हैं। बिहेविंग इन अ डिसिप्लिन फैशन व्हाइल दे आर ईटिंग एंड बेसिकली टू टेक द प्लेस ऑफ द पेरेंट्स हु आर नॉट विद देम एट दिस टाइम, दे हैव कम हियर सो फार अवे फ्रॉम होम, इट इज आवर ड्यूटी टू सी दैट द चिल्ड्रन आर लुक्ड आफ्टर इन एवरी पॉसिबल फैशन। What's this going on? So after lunch they have to come up and they have to change. So because like, they've just completed the lunch, yes, and they're coming back to dormitory. So yes, where are they going? They're changing. So to keep ourselves active, so we have to go and play a game. So it's necessary for each boy to play. So that's it's a, it's a rule? Yes, it's a rule. So. Hurry up, hurry up. You got a minute left, hurry up. और अब हम आपको दिखाते हैं शेवर्डियंस का कुछ अमेजिंग आर्टवर्क। और इस समय हमें शेवर्ड कॉलेज के वेस्टर्न म्यूजिक डिपार्टमेंट के अंदर और यहां पर जो बच्चे हैं उन्होंने हमें प्रॉमिस किया है कि हमें कुछ बेहतरीन सुनाएंगे। लेट्स चेक इट आउट। Cool wind in my hair,
one smell of colitis rising up through the air, up ahead in the distance. समय हमारे साथ हैं कुछ शेरवुड कॉलेज के लड़के और कुछ लड़कियां। लड़कियों का मानना है कि वो बेहतर हैं यहाँ के लड़कों से, और लड़कों का मानना है कि वो बेहतर है यहाँ की लड़कियों से। एक कंफ्यूजन है, तो क्यों ना हो जाए डिबेट। बॉयज कांट डू एनीथिंग एज इन यू नो दे जस्ट दे बोस्ट मोर देन कैन एक्चुअली डू। द गर्ल्स दे जस्ट वेस्टिंग देयर टाइम इन व्हाट द डेकोरेशन ब्यूटी कॉस्मेटिक्स. That's what they do. So they have no natural beauty themselves. They don't have natural beauty, okay. So we are supposed to be like that. God has made us like that. Our nature is. They keep going to the gym and working out. Why do they do that? That's, I mean, why do they have muscles and all of that? Ladies are supposed to be very good managers, and they're doing very well in the commercial field. And they are very good managers. Okay, very good managers. What do you say? Well, managers. What I think, most of the multinational companies have got most number of male managers than female. And that you mean to say that this is a contradictory point and is not valid. I mean, you mean to say that girls are not managers, they are damagers. So girls are more people oriented, and they're patient unlike guys, and they're more sympathetic and compromising unlike guys. My God, you're not compromising. So bragging is something girls have been famous for. So if we don't shave our hair, then you know, probably we'll turn around and say the girls don't look nice. So if we look nice, it partly is because, you know, we just want you to feel good. When you look at us, जो भी आप करती हैं वो लड़कों के लिए करती हैं। नहीं, not exactly, but we want you to feel pleasant when you look at us. Just the pointers you have. We also gel our hair because you like it. But removal cream and all of that in front of the window panes, looking how many pimples grew today. I mean, God, girls are not looking at your faces. यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी कि लड़कियाँ लड़कों से ज़्यादा disciplined हैं। Boys are more studious than girls. How much do their socks stink? Behind every successful man, there is a woman because they are running after men. Okay. अब यहीं पे ये डिबेट खत्म करते हैं, क्योंकि अगर इस तरह से चलता तो डिबेट खत्म होगा नहीं। लेकिन सही बात यह है कि दोनों लड़के और लड़कियां समाज का हिस्सा है। लड़कों का काम लड़कियों के बगैर नहीं चल सकता, और लड़कियों का काम लड़कों के बगैर भी नहीं चल सकता है। पार्शली। एनीवेज, तो हम खत्म करते हैं ये डिबेट यहीं पे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये डिबेट पसंद आया होगा। अब समय है छोटे से ब्रेक का। हम हाजिर होते हैं थोड़ी देर बाद। आप कहीं जाइएगा नहीं। Welcome back, and right now with me is Mr. Pandey, who is going to show us the real home in Sherwood College. Now for us, This is the Link Society, okay, which is a link for every Sherwoodian from the past to the present and future. Okay. Our contribution to the armed forces, starting with Field Marshal Manekshaw, India's first Field Marshal, General Gerard Smith, okay, who commanded the British forces in the Iraq invasion. Okay. Desert Storm, old Sherwoodian. He was a Sherwoodian. Okay. The illustrious Sharma family, starting with India's first PVC, Major Somnath Sharma. His elder brother, General Tindy Sharma, who is still doing parachute jumps. Chief of Army Staff, General Vishwanath Sharma. Proud legacies of the school. Starting with the other sectors, like show business, with the best known name, the most well-known name. Amitabh Bachchan. Also flanked by Kabir Bedi, okay, and Dilip Tahal, and Vivek Moshan, and a host of others who are doing very well in production business. The president of the MEX in business, okay, Alexander Sori, who did the entire computer gizmo for the Matrix in games. Raymond Whiteside, the Olympic hockey player. That's great, amazing. I mean, I'm taking you to the nucleus of the entire. थैंक यू। गलतियाँ भी की, मार भी खाए। स्टेज में सबसे पहले वहाँ पर एक्टिंग का जो सिलसिला था वो वहीं शेरवुड से ही शुरू हुआ, और जितने भी शेरवुडियंस हैं मैं उनको अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ, और कहता हूँ कि जो भी अभी शेरवुड में पढ़ रहे हैं उनको ये कहना चाहूँगा कि हालाँकि अभी उनको ऐसा ना
लगे कि ये सबसे हसीन दिन है, लेकिन सही मानों में जब वो स्कूल से बाहर निकलेंगे तो उनको यही दिन याद आएंगे। माय फादर सेंट मी टू शेरवुड, एक्सीलेंट स्कूल। शेरवुड हैज प्रोड्यूस्ड टू पीपल हु विल बी रिमेंबर्ड, अमिताभ बच्चन एंड सैम मैनिक शो। Mrs. Sandhu, what is the unique feature about this college which we cannot find anywhere else in any boarding school in India? It's a very disciplined lot. The students we have here, they live on tradition, on discipline, and the direction which this college gives to them for the rest of their lives. Mm-hmm. And once a Sherwoodian, always a Sherwoodian for whole of his life. Mrs. Sandhu, jab ek bachcha yahan se pass out hoke jata hai, kya ethics, kya morals leke wo bachcha nikalta hai yahan se? The whole education at Sherwood is to prepare an individual for life after schools. You know, this is where he believes in more than giving out to the community, not only concentrating what he's receiving, mm-hmm. but what he can give to the community where he's existing. That is the, you know, very strong point of our education. Thank you so much. You're welcome, Faraz. शाम के 5:30 बज चुके हैं। इस वक्त हम खड़े हैं गर्ल्स डॉर्मेट्री के सामने। लड़कियां प्रेप में जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनके जाने से पहले हम उन्हें पकड़ेंगे और करेंगे कुछ खट्टी मीठी बातचीत। सो फॉलो मी। हाय। हाय। दैट्स ग्रेट। व्हाट आर यू डूइंग? रीडिंग। व्हाट? एलोकेशन। रीड इट आउट। जस्ट टू लाइंस। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि सूरदास ने अपने एक छंद में, बस इससे ज्यादा हम नहीं सुन सकते। मैं, आप एक बहुत ही अच्छी बात बताइए अपने हॉस्टल के बारे में। It's nice. It's nice. We have fun. The support we get from our friends is very different to what we get in our day college life. We become very independent. So independent woman. Yes, sir. Great. What's your name? Tanushree. Tanushree. What's the meaning of Tanushree? It's the name of a princess. I just know this much. You think yourself, you're a princess? Why not? You are a princess? You think she is? Yeah. She is princess. आप लोग क्या हैं? दासियाँ? Good friends. हमारे सामने कुछ और मोहतरमाएं बैठी हैं, उनके पास हम जाते हैं, देखते हैं वो क्या बताती हैं हमें अपने हॉस्टल के बारे में। Hi Curly. Hi. What's your name? Tanya. Tanya. What's the meaning of Tanya? I don't know. You don't know? It's you know? Russian name. Russian name. You look like Russian babe. Oh, you've got a beautiful smile. Thank you. ब्यूटीफुल टीथ ऑल्सो, एक के ऊपर एक। अच्छा, हॉस्टल की सबसे अच्छी चीज आपको क्या लगती है? फ्रेंड्स ऑब्वियसली। ओके, अच्छा ये आप लोग बताइए कि बदमाशी किस किस तरह की आप लोग करती हैं? बहुत ये हुई बात ना, किस तरह की आपको? बंकिंग लेसंस, बंकिंग प्रेप्स, एवरीथिंग बंकिंग। देन गेटिंग कॉट बाय द वाइस प्रिंसिपल एंड स्टैंडिंग आउटसाइड द ऑफिस। वी पेंटेड दिस फेसेस एंड ऑल एट हाफ नाइट विद ब्लैक पॉलिश। Putting powder on the hair and all when they're sleeping. किसके ऊपर किया है इस तरह? अभियंता। Okay, okay. Now you tell me, what was your reaction? I got up and I yelled on everyone. She fought with me at 1:00 at night. Just verbal fight. कैसे लड़ी थी एक बार please करके दिखा दे। अब याद नहीं है ना, अब दोस्ती। अब याद नहीं है, अब दोस्ती हो गई है। ओके, ये तो हुई मस्ती की बात। अब आप लोगों से जानना चाहते हैं कि कितना वक्त हो गया आपको हॉस्टल में? 10 years, 2 years. इतना वक्त आप लोगों ने एक साथ गुजारा है, मिस करते हैं कोई चीज? Home food, my old friends and then my parents. And parents में कौन? मम्मी पापा? My brother, everyone, friends and my family. Family? Yeah, parents and all my friends. And I really love them. I miss them so long. I miss my dog the most. You miss doggy most? Yeah. तीन और यहाँ पे जो बच्चे शैतानी करते हैं, तो आप लोग क्या पनिशमेंट देते हैं? इतने इल्जाम लग रहे हैं आप लोगों पे, बजाओ करिए अपना, बताइए। Okay. No, if somebody goes wrong in something, they have to be punished so that they come with the right time. What's wrong to do? Not spending time. Talking before grace. Prep, they're not there for prep. Mm-hmm. Not spending time. Follow the rules and regulations, and we are there to take care that they follow it. Like they are supposed to, you know, maintain discipline.
ये बातें हुई डिसिप्लिन की, और ये बहुत जरूरी है कि बच्चों में डिसिप्लिन होना चाहिए, और शेवर्ड की ये बहुत ही खास बात है कि डिसिप्लिन पे यहाँ पे बहुत ध्यान दिया जाता है। ये तो बात हुई मस्ती की यहाँ पे बच्चों से, आप लोगों को मजा आया? वाओ, दैट्स ग्रेट, गुड रिस्पॉन्स। अब हम आपको लेके चल दें कुछ और मस्ती के लिए, सो फॉलो मी। परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, ये इस गुरुकुल के तीन स्तंभ हैं। ये वो आदर्श हैं जिससे हम आपका आने वाला कल बनाते हैं। आपसे पहले जो यहां से गुजर चुके हैं वो आपके लिए बहुत ऊंचे सिद्धांत छोड़ गए हैं। यहां पर मौज मस्ती का सिलसिला जारी है, बट फॉर मी इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस इन शेवर्ड। I hope you definitely must have enjoyed this show. आपके बहुत सारे emails और letters हमें लगातार मिल रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको हमारा आज का ये episode कैसा लगा आप हमें जरूर लिखिएगा। हमारा पता है कल का इंडिया, इंडिया टीवी, फिल्म सिटी, नोएडा 201301। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा ईमेल आईडी है mail@indiatvnews.com। And now it's time to say goodbye. Me Faraz Shere signing off. I'll meet you next week, same day, same time. Till then, from all of us here, a very goodbye, and you all take care.